जो खान है उनके नाम के पीछे आप बालन लगा दे। विद्या बालन की इस एडवाइस को करीना कपूर ने नजरअंदाज किया और सैफ से शादी कर अपने नाम के पीछे जोड़ लिया खान। लेकिन कटरीना कैफ ने विद्या के एडवाइस पर लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियसली गौर किया है, इसीलिए कटरीना करने जा रही हैं विद्या की तरह ही कुछ ऐसा जिसे देखकर जल्द ही ऊ ला ला करते नजर आएंगे इंडस्ट्री के सारे स्टार्स इंक्लूडिंग द टॉप खान्स। और हो सकता है कि खान्स के नाम के पीछे अपना सरनेम जोड़ने का जो काम विद्या नहीं कर पाई वो कटरीना कैफ कर जाएं। जो खान है उनके नाम के पीछे आप बालन लगा दे। चलिए अब आपको बता ही दिया जाए कि आखिर कटरीना कैफ ने ऐसा क्या किया है जिसने उन्हें डेयरिंग विद्या की लीग में खड़ा कर दिया है। दरअसल सोर्सेस से पता चला है कि कटरीना कैफ ने रिसेंटली एक डायरेक्टर को खुद अप्रोच किया। वही कटरीना खुद एक डायरेक्टर के दर पर पहुंच गई जिन्हें साइन करने के लिए इंडस्ट्री के टॉप फिल्म मेकर्स की लाइन लगी है। I don't have to approach anybody. पर वो प्रकाश झा नहीं है बल्कि रिपोर्टेडली मिलन लुथरिया ही हैं वो डायरेक्टर जिनसे द डर्टी पिक्चर में विद्या के रोल जैसा ही धमाकेदार रोल मांगने पहुंच गई कटरीना कैफ। सोर्सेस की माने तो कटरीना ने हाल ही में खुद जाकर मिलन लुथरिया से कहा कि वो उनके साथ एक फिल्म करना चाहती हैं। अब एक डायरेक्टर के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि जिस हीरोइन को साइन करने के लिए बॉलीवुड के बड़े से बड़े फिल्म मेकर्स बेताब हैं, वो खुद आकर उनसे उन्हें अपनी फिल्म में लेने की रिक्वेस्ट करें। इसीलिए मिलन ने एक पल की भी देरी न करके कटरीना को तुरंत अपनी एक आने वाली फिल्म के लिए साइन कर लिया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मिलन ने कटरीना को वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई पार्ट 2 के लिए फाइनल किया है तो ऐसा नहीं है। इस फिल्म के लिए मिलन पहले ही अक्षय कुमार और करीना कपूर को फाइनल कर चुके हैं और इस फिल्म की बाकी कास्टिंग भी फाइनल हो चुकी है। ऐसे में हो सकता है कि कटरीना के खाते में मिलन की वो अगली फिल्म आ जाए जिसके लीड रोल के लिए सैफ को कंसीडर करने की खबरें आई थी। जैसे भी सैफ वाली जो फिल्म आई जिसमें आप सैफ को ले रहे हैं जी, उसके अपोजिट आपने कोई हीरोइन फाइनलाइज की है? अभी तक उस पर काम शुरू करना है। अभी तो इसकी शूटिंग चल रही है डे नाइट वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन, तो इसमें बहुत हमने सुना कोई बड़ा नाम आपकी प्रोड्यूसर जुड़ने वाला है। यस वी आर थिंकिंग अबाउट दैट बट नथिंग एट द मोमेंट, नथिंग हैज बीन डिसाइडेड। ये शेड्यूल होने के बाद थोड़ा उस पे काम हम करेंगे। यानी भले ही अब तक ये क्लियर न हुआ हो कि मिलन कटरीना कैफ के साथ कौन सी फिल्म करने जा रहे हैं, एक बात तो तय है कि शायद मिलन भी कटरीना जैसी हीरोइन को खुद उन तक चलकर आने के इस मौके को बेकार नहीं जाने देंगे और हो सकता है कि वो कटरीना के लिए क्रिएट कर डाले ऐसा कोई नया कैरेक्टर जो पॉपुलैरिटी के मामले में सिल्क के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दे। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, Mumbai.